जय गुरु जी। प्रणाम मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु महाराज के ब्लेस्ड ग्रंथ द लाइट ऑफ डिविनिटी का हिंदी रूपांतर जो अमिताभ अंकल ने किया, दिव्य आभा में से डॉक्टर अनीता डेली जी का सत्संग पढ़ेंगे। पेज नंबर 53 से, हृदय समीप माँ सदृश प्रेम। मेरे परिवार में गुरु जी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतना अवस्था में 1.5 मास से चिकित्सालय में थे। स्वयं चिकित्सक होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं, उनका आभास था। अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गंवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डावाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे, कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सब की सहायता करते हैं। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया था, फिर वे क्यों हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे मेरी समस्त दुख समझ सके और हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सके। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहां पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन का निश्चय किया। तब भी मुझे यह पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करे उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वे आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने ये सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने जुड़वां पुत्रों को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया कि वह केवल शिवजी के चरण स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने मेरा साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके चरण कमलों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किए। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिवजी के चरणों को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगीं। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा,
वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थीं। चिकित्सकों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ रखने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगा राम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ के से परीक्षण कराने के लिए ले गए। मैं भयभीत थी क्योंकि दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। चिकित्सक के कक्ष की ओर जाते हुए मैंने गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुए थी। चलते हुए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वे चाहें तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद है कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वे तुरंत सहायता करते हैं। वे गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का संदेश था। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उसके अनुसार पलीहा और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सक ने मुझसे भी वे अंग स्पर्श करवाए, जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल प्राथमिक चित्रण की सलाह दी, जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकालने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वे मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला एक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध ये संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहां पर परीक्षण चल रहा था। मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे, लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैंने उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताना चाह रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया, क्या रोग निकला? मैं भाव विह्वल हो गई। उनको पहले से ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूं, मेरी चिंता परीक्षण कराए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूं तो शेष परीक्षण करवा सकती हूं। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण करवाए। सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई, जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, ये कैसे संभव है? गुरुजी ने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उस दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक ही बार आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब वापसी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर देता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य हैं कि सब ठीक हो गया।
उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। वे आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वे आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वे हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। यह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं। निरंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वे सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वे अयज्ञ हैं। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों में से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उसके साथ है। वे सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वे चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना हुआ है और ना ही होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। श्वेत वस्त्रों में कल्याणकारी मेरी मौसी, जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन अचेतना अवस्था में चली गई और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। चूंकि उनका रक्तचाप अति उच्च था, चिकित्सक को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्त स्राव हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय मौसी का कैट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उनका परिणाम सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए होंगे। आज भी वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी यह पता नहीं लग पाया कि वे उस अवस्था में क्यों पहुंची। सब परिणाम सामान्य निकले थे। गुरुजी 3 मास के पश्चात जालंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नु भी ठीक करा लेता। मैं चकित रह गई। वे यहाँ पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता भी नहीं था। वे तो सर्व ज्ञाता हैं, पर मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी, आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में, आप कहीं भी हो, सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट होना पड़ा। कई प्रकार की औषधियों से लाभ ना होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने कैट स्कैन करने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया है, उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहां पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त
और कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं चिकित्सालय में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष के बारे में भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर वह बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस रात मैं बिना किसी औषधि के आराम से सो पाई। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता लगा होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहां से अवकाश प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले से के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मेरे पति, जो स्वयं चिकित्सक हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहा, पर वह यह कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वे कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई। उन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट और काफी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास भागे, ये जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी का मिलना संभव नहीं है। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आए हो। भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है, अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से चिकित्सक के पास ना जाकर अपने कार्यालय जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक को सत खाने और विस्की के 2 पैग भी पीने को कहा। कुछ सप्ताह उपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वे सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की जो कुछ जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला, उसकी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला से संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई थी, मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी को गंभीर रूप से अग्नाशयकोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वे गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस घर आ गए और अब अपने कार्य पर भी जा रहे हैं। एक बार मानसिंह नाम जी का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया और यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहा था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने चिकित्सालय भी गए। चिकित्सकों ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वे वहां से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित देख करने के लिए
अब भी गुरुजी को लगातार धन्यवाद देते रहते हैं तुम्हारे साथ सदा से। मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई और बोले कि यह 6 मिनट से अंतर से बड़ा है। यह सुनकर आश्चर्यचकित थी मैं भी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण चिकित्सक छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनको इसका ज्ञान कैसे मिला। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही तो मेरे लिए इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण उन्हें यह सब पता है। यह बात तब की है जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वे मुझे कालांतर से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। अचंभे की बात नहीं है कि गुरु के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम न्योछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग अस ऑलवेज एंड फॉर ब्लेसिंग एवरीवन। थैंक यू गुरु संगत जी। जय गुरुजी।